नमस्कार, स्वागत है सभी का चाणक्य कोचिंग क्लास बहराइच में। महामारी के साथ साथ अफवाहों का दौर भी बहुत तेजी से चल रहा है। छात्रों को काफ़ी परेशान किया जा रहा है, लगातार उनको मैसेज भेजे जा रहे हैं कि पेपर होंगे कि नहीं होंगे, प्रमोट होंगे वो। तो इन्हीं सब जो है सवालों के जवाब देने के लिए मैं आया हूँ। साथ में डॉक्टर रामनुलो या अवध यूनिवर्सिटी से एग्जाम डेट निकल के आ रही है, वहाँ से जो है एक मैसेज आया है, उस मैसेज को मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो इसलिए आप लोग बराबर बने रहिए मेरे साथ और पूरे इस विश्लेषण को देखिए, आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहला तो सवाल जो है आपका ये होगा कि जब से इधर लॉकडाउन हुआ तो क्या हमारे पेपर होंगे या नहीं होंगे? भाई पेपर होंगे या नहीं होंगे, सबसे पहला सवाल तो आपका यही होगा कि अवध विश्वविद्यालय पेपर कराएगा या नहीं कराएगा। अगर वो पेपर कराता है तो कब कराता है, आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल आपका निकल के आ रहा है। तो अगर परीक्षाएं होंगी तो कब होंगी, तो इन्हीं संबंध में आपको जानकारी देंगे। तो आप ध्यान रखिए कि इस YouTube चैनल में काफ़ी लोग जो है अपना वीडियो वायरल के करने के चक्कर में जो है वो क्या कर रहे हैं, गलत गलत मैसेज दे रहे हैं, जिसको आप एक दूसरे को बड़ी तेजी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी आपको ना मिल जाए तब तक किसी को भी मैसेज ना भेजें, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं, सभी बच्चे परेशान हैं। तो हम यहाँ पे वही खबर आपको बताएंगे जो कि अथेंटिक होगी। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे कि एक नोटिस निकल के आया था हमारे यहाँ 14 अप्रैल को, 14 तारीख को हमारी यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर रामनुरल या अवध यूनिवर्सिटी से जो निकल के आया, ये देखिए आप, एक नोटिस निकल के आया जिसमें सबसे पहले मैंने आपको सूचित भी किया था, हमने मैसेज आपको वीडियो बना के बताया भी था कि इसमें 16 अप्रैल से 2 मई तक के लिए विद्यालय बंद किए गए थे। ठीक है, तो ये एक नोटिस है, ऑथेंटिक नोटिस है। इसका देखिए यहाँ पे पत्रांक संख्या पड़ी हुई है, इसको आप देख सकते हैं, ये एक विद प्रूफ था। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्लियर थी कि पहले 2 अप्रैल जो है मई तक बंद किया गया था, लेकिन इसी बीच में हुआ क्या, एक नया लेटर उच्च शिक्षा विभाग ने निकाल दिया। उच्च शिक्षा विभाग ने जो है सभी जो है यूनिवर्सिटी के लिए निकाला, यहाँ पे उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, तो वहाँ से निकल के आया और उसमें एक बात कही गई कि 15 मई तक के लिए पूरी तरीके से महाविद्यालय को बंद किया जा रहा है और सभी परीक्षाएं स्थगित की जा रही है। तो यह दूसरी खबर, इसकी भी नोटिस हमने आपको बताई थी, ये भी आपको बताई गई थी। और इसी के संबंध में ध्यान में रखते हुए हमारे विश्वविद्यालय डॉक्टर रामानुजन अवध यूनिवर्सिटी ने जो है एक नया पत्रांक जारी किया, जो कि जारी किया उसने 16 अप्रैल, कब जारी किया, 16 अप्रैल को जारी किया। ठीक है, 16 अप्रैल को जारी किया और उसने 15 मई को जो है तक सभी जो है परीक्षाएं स्थगित करने की बात कर ली। तो इस तरीके से ये 3 लेटर निकल के आए। अब आपका सवाल कि पेपर होगा कि नहीं होगा, तो पेपर होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पेपर होंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं और न्यूज है उसको देखिए आप और उस पर विश्लेषण करते हैं। मई के आखिरी में होंगी परीक्षाएं, ये हमारी यूनिवर्सिटी डॉक्टर रामनगर या अवध यूनिवर्सिटी की ही खबर है कि मई के आखिरी में होंगी परीक्षाएं। ठीक है, ये आप देखिए न्यूज चैनल है जिसने जो है पेपर में दिया गया है और ये डॉक्टर रामनगर या अवध विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा, मुख्य सेमेस्टर परीक्षाओं में एक बार फिर से लेट होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 15 मई तक परिसर व अपने सभी कॉलेज बंद कर दिए हैं। हालांकि विश्वविद्यालय ने अपनी मुख्य परीक्षाओं व सेमेस्टर परीक्षाओं की पूरी तैयारी कर रखी है, पूरी तरीके से पेपर सेट हो गए हैं। अब आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका पेपर नहीं होगा। उत्तर पुस्तिकाएं महाविद्यालयों में पहुंचने लगी हैं। ठीक, अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो है माना कि लेट हो रहा है, लेकिन अगर हालात में सुधार हुआ तो मई के लास्ट तक हम परीक्षाएं करा लेंगे। कब तक करा लेंगे, मई के लास्ट तक उन्होंने कहा है कि हम परीक्षाएं करा लेंगे। तो अब आप देखिए ये खबर निकल के आई, उन्होंने कहा कि अगर सारी चीजें सही रही तो हमने पेपर बना लिए हैं, पेपर सेट हो चुके हैं, साथ में जो है कापियां पहुंचाई जा चुकी हैं, अब आपके सिर्फ पेपर कराना बाकी है। तो जैसे ही यहाँ से कोई गाइडलाइन जारी होती है, कोरोना किसी भी तरीके से कंट्रोल में आता है, तुरंत परीक्षाएं कराई जाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसने अपनी एक तैयारी और भी कर रखी है, शायद आप ध्यान से उसको देख लीजिए, आपके जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए आप, ऑनलाइन भी हो सकती है परिसर की परीक्षाएं। उन्होंने कैंपस जो है परीक्षाओं के बारे में बताया गया है कि पूरी तैयारी उसने की है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिन विषयों में कम विद्यार्थी हैं उनकी ऑनलाइन परीक्षाएं भी हो सकती हैं। अगर ये उसका एक्सपेरिमेंट सही रहा तो ये बड़ी परीक्षाओं में भी लागू किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मई के लास्ट तक पेपर कराने की पूरी उम्मीद की जा रही है। इसके संबंध में हमारे जो है हमारे यूनिवर्सिटी से एक मैसेज भी निकल के आ रहा है, आप इसको देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मुख्य व परिसर की परीक्षाएं कराए जाने की तैयारी में लगा था, लेकिन कोरोना की दूसरी
जो है वेब के चलते शासन के निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय व स्कूल 15 मई तक बंद करने पड़े। अगर 15 मई के बाद हालात ठीक रही तो विश्वविद्यालय अपनी मुख्य व परिसर की परीक्षाएं मई के आखिरी सप्ताह तक शुरू कराएगा, जो है चतुर्वेदी जी के द्वारा कहा गया है। तो आपने ये देख लिया, अब आप देख रहे हैं ना आपके सामने पूरी जो मीडिया प्रभारी है अवध विश्वविद्यालय के विजयन चतुर्वेदी जी जो है मीडिया प्रभारी है। अब आपको बता दें कि आपको तैयारी कैसे करनी है, तो मई के लास्ट तक अगर वो पेपर करा रहे हैं तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, तैयारी पर कोई भी ब्रेक मत लगाइए, पूरी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए और अफवाहों पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। जैसे कोई खबर निकल के आती है आपको मैसेज दिया जाएगा और बराबर आपके चैनल पे क्लासेस चल रही हैं, अब वीडियो अपलोड किया जा रहा है, हमारे चैनल के साथ बराबर जुड़े रहें। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो इसको जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भ्रमित ना हो, ठीक है, और काफी भ्रमित हैं लोग तो भ्रमित ना हो। और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।